हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग की सेलेक्टेड क्वेश्चन की। ये सभी प्रश्न दोस्तों सेलेक्टेड हैं आज की वीडियो में, जितने भी हैं। आप दोस्तों एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं यूपीएसआई की, या फिर तैयारी कर रहे हैं एसबीआई की, या फिर तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी की, ये प्रश्न आपके सभी एग्ज़ाम के लिए सेलेक्टेड हैं। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका, यदि 4×2×6=1626 तथा 3×7×4=974 हो तो 5×6×8 क्या होगा। जो रिलेशन दोस्तों यहां पर लगेगा वही रिलेशन यहां पर लगेगा, और उसी रिलेशन से ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको पता चलेगी। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई। अब देखिए, यहां पर आप देखेंगे 4×2×6, अगर आप इन तीनों संख्याओं को गुणा करेंगे तो क्या इतनी बड़ी संख्या मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। 4×5=20, 20 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे 120 मिलेगा। इतनी बड़ी संख्या तो आपको नहीं मिलेगी। अगर आप इन सभी संख्या का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तब भी नहीं मिलेगी इतनी बड़ी संख्या। तो कुछ ना कुछ लॉजिक तो दोस्तों इसमें होगा जिससे कि आप इन संख्याओं से ये वाली संख्या बना सकते हैं। कुछ ना कुछ लॉजिक तो होगा। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बात बता दूँ, रीजनिंग के अंदर आप एक बात हमेशा याद रखना, अगर यहाँ पर गुणा का साइन है तो जरूरी नहीं है आपको गुणा ही करना पड़ेगा। प्लस का साइन है तो जरूरी नहीं है आपको प्लस ही करना है। साइन दोस्तों कोई सा भी हो, आप अपनी तरफ से लॉजिक उसमें लगाइए कि प्लस लगाएं या माइनस लगाएं, गुणा करें क्या करें। बात आ गई दोस्तों समझ में? तो यहाँ पर देखिए, 4×2×6 से आपको 1626 बनाना है तो कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले लीजिए ये पहली वाली संख्या। पहले वाली संख्या दोस्तों क्या है? 4। अगर आप इस 4 का कर दें स्क्वायर तो कितना मिलेगा? 16 मिलेगा। क्लियर है? तो आप देखेंगे यहाँ पर पहली संख्या क्या है? 16 ही तो है। बात समझ में आ गई? 16 मिल गया। बाद में क्या दे रखा है? 2। दूसरी संख्या क्या दे रखी है? 2। इसको ऐसा ही लिख दो। लास्ट में क्या दे रखा है? 6। इसको भी ऐसा ही लिख दो। तो 1626 है, यहाँ पर आपको 1626 मिला। कैसे मिला? पहली संख्या का स्क्वायर करके हमने लिखा और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या को एज इट इज़ लिख दिया। बात आ गई समझ में? दूसरे में भी यही लॉजिक लगाएंगे। यहाँ पर देखिए, पहली संख्या क्या है? 3 है, तो 3 का कर दीजिए स्क्वायर, कितना मिलेगा? 9। ठीक है, दूसरी संख्या को ऐसे ही लिख दीजिए 7 को, और तीसरी संख्या को ऐसे ही लिख दीजिए 4 को। तो यहाँ पर क्या है? 974। यहाँ पर क्या है? 974। तो लॉजिक बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो लॉजिक दोनों जगह पर लगा है उसी लॉजिक से दोस्तों ये वाली संख्या फाइंड हो जाएगी। बात आ गई दोस्तों समझ में? तो देखिए, यहाँ पर पहली संख्या क्या है? 5। तो 5 का क्या कर दीजिए स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 25 होगा। दूसरी संख्या को एज इट इज उतार दो 6। लास्ट वाली संख्या को भी एज इट इज उतार दो 8। तो 25×68 किस ऑप्शन में है? 25×68 बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, जो भी मैं प्रश्न लेकर के आता हूं, एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से करने की कोशिश किया करो। नहीं आएगा आंसर कोई बात नहीं, बाद में हमारा आंसर देख लीजिए, लेकिन एक बार पॉज करके खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाद में आप हमारा आंसर देख सकते हैं। के लिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए प्रश्न का सही बेन आरेख बताओ। दोस्तों, बेन आरेख के जो प्रश्न होते हैं, मैंने पहले भी बताया है, सबसे ज़्यादा सरल होते हैं, सबसे ज़्यादा सरल होते हैं बेन आरेख के प्रश्न, लेकिन कुछ लोग इसे कठिन बताते हैं बेन आरेख को। अगर आप संख्याओं को एक बार ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करेंगे तो बेन आरेख सबसे ज़्यादा आसान होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या दे रखा है? डॉक्टर, रोगी और मनुष्य, इन तीनों का हमें संबंध कैसे बनाना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे सोच लेते हैं प्रश्न को कि कुछ डॉक्टर तो रोगी होते हैं और कुछ रोगी डॉक्टर होते हैं, या फिर ऐसे सोच लेते हैं कि कुछ मनुष्य डॉक्टर होते हैं और कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो रोगी भी होते हैं। कुछ लोग इस तरीके से प्रश्न को सोचते हैं, लेकिन ऐसा मत सोचिए, ऐसा मत सोचिए। क्यों मत सोचिए? डॉक्टर और रोगी और मनुष्य, तीन चीज़ें। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले तो आपका मनुष्य ही रहेगा। चाहे लेडीज़ हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे बच्चे हो, वो सब अंतर्गत किसके आते हैं? मनुष्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और जो मनुष्य होगा
वही तो डॉक्टर होगा, तो मनुष्य के अंदर ही तो डॉक्टर आएगा, और जो रोगी होगा वह भी मनुष्य के अंदर आएगा। बात आ गई दोस्तों समझ में? तो ये तो हो गया मनुष्य, मनुष्य के अंदर ही आपका रोगी आएगा, डॉक्टर आएगा, इंजीनियर आएगा, जो भी कुछ होगा सब मनुष्य के अंदर ही तो आएगा। तो इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा आपका। तो इस तरीके का वेन डायग्राम कौन सा ऑप्शन दे रखा है? बी ऑप्शन दे रखा है। बी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। बात आ गई दोस्तों समझ में? इस तरह से अगर आप सोचेंगे तो प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। अगर आप ऐसे सोचेंगे कि कुछ मनुष्य डॉक्टर हैं और कुछ मनुष्य रोगी हैं तो सवाल गलत हो जाएगा। जैसे कि समझिए प्रश्न को कहते हैं, यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ भारत, यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ भारत, ठीक है, भारत के अंदर ही दोस्तों क्या आता है? दिल्ली आती है। भारत के अंदर ही दिल्ली आती है, भारत के अंदर ही उत्तर प्रदेश आता है, भारत के अंदर ही राजस्थान आता है। तो ये सभी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? भारत के अंदर आती हैं। उसी तरह मनुष्य होगा ये, तो जितनी भी चीज़ें होती है मनुष्य के अंदर ही आएंगी, चाहे डॉक्टर हो, चाहे रोगी, चाहे इंजीनियर हो, चाहे आर्किटेक्ट हो, वो सब किसके अंदर आएंगी? मनुष्य के अंदर ही तो आएंगी। जिस तरह से दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, मेरठ, महाराष्ट्र, सब चीज़ें भारत के अंदर आएंगी, उसी चीज़ें सारी चीज़ें मनुष्य के अंदर आएंगी। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको कोई डाउट नहीं होगा, अच्छे तरीके से प्रश्न समझ में आ गया होगा। क्लियर हुई दोस्तों बात? अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला, क्योंकि एक ही बार एग्जाम में आया है अभी तक ये, और एक बार एग्जाम में आया है, लेकिन प्रश्न बहुत लाजवाब है। देखिए कैसे स्टूडेंट के सोचने के ऊपर ये प्रश्न बना है। देखिए कैसे स्टूडेंट सबसे पहले तो ये सोचता है कि जिस तरफ बड़ी संख्या हो प्रश्नों को हम उस तरफ सॉल्व करेंगे। तो देखिए प्रश्न में बड़ी संख्या किस तरफ है? 4, 9, 14 इस तरफ बड़ी संख्या है, 2, 7, 12 इस तरफ बड़ी संख्या है, 0, 5, 10 में इस तरफ बड़ी संख्या है, 11, 16 में इस तरफ। तो बड़ी संख्या दोस्तों किस तरफ है? इस तरफ बड़ी संख्या है। एक तो ये तरीका हो गया। और बड़ी संख्या देखेंगे 14, 12, 10 में, 16 में बड़ी संख्या क्या है? 16, मतलब नीचे की तरफ भी बड़ी संख्या है। 9, 7, 5, 11 में 11 बड़ी संख्या, तो आप ऐसे चलेंगे तो नीचे की तरफ भी बड़ी संख्या है। और एक तरीका होता है अगर कॉर्नर पर क्वेश्चन मार्क हो तो हम कॉर्नर की तरफ ऐसे बढ़ेंगे या फिर कॉर्नर की तरफ हम ऐसे आएंगे, एक ये तरीका होता है। तो ये कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर तरीका जब आपको पता चल जाएगा तो कितना भी कन्फ्यूज़न वाला प्रश्न हो कभी गलत नहीं होगा। तो हम नीचे की तरफ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन मार्क है। तो हम प्रश्न को कहाँ सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन मार्क की तरफ। तो यहाँ पर 16 कैसे आया, यहाँ पर 11 कैसे आया, उसी तरीके से क्वेश्चन मार्क की संख्या मिलेगी। तो 16 किन किन संख्याओं से बनाना है आपको? 14, 12, 10 से आपको कितना बनाना है? 16, यही तो है। तो देखिए 16 आप कैसे बना सकते हैं? अगर आप 14 और इस 10 का क्या करें, अंतर 14 में से अगर आप 10 घटा देंगे कितना बचेगा आपके पास? 4 बचेगा, ठीक है। दोनों का आपने क्या कर लिया? अंतर कर लिया। कितना बचेगा? 4 बचेगा। और यहाँ जो 12 बचा है बीच में, इस 12 को आप जोड़ दीजिए, कितना मिलेगा? 16। तो नीचे वाली संख्या आपको 16 मिल गई। समझ में आई बात? वही यहाँ पर कीजिए, पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर हमने यहाँ पे किया था, तो यहाँ भी कर लेंगे। तो 9 में से 5 को घटा देंगे कितना बचेगा? यहाँ भी दोस्तों 4 बचेगा। और बीच वाली संख्या को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, मतलब 7 को जोड़ देंगे, तो 4 और 7 कितना हो जाएगा? 11। यहाँ पर आपको 11 दे रखा है। तो बात सबकी समझ में आ गई, क्या लॉजिक है? वही यहाँ पर कीजिए, पहली संख्या और तीसरी संख्या का क्या करेंगे? अंतर। तो 4 में से 0 को घटाएंगे 4 ही रहेगा, बीच वाली संख्या को जोड़ देंगे मतलब 2 को जोड़ देंगे, तो 4 में 2 को जोड़ दिया, कितना आ गया आपका आंसर? 6 आ गया। 6 किस ऑप्शन में है दोस्तों? सी ऑप्शन में आपका 6 दे रखा है, यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। तो उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर हुई दोस्तों बात? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एल और एम बहने हैं, ठीक है दोस्तों, समझिए प्रश्न को। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एल और एम, दोनों क्या है दोस्तों? दोनों बहने हैं, ठीक है, दोनों आपस में बहन हैं, इतनी बात समझ में आई। अब क्या कह रहा है? पी एल का पति है। एल का दोस्तों कौन? पति है पी। क्या है? एल का पति है पी। कौन है? पति पी। फिर क्या कह रहा है? ओ एम का पति है। एम का पति है दोस्तों कौन? ओ। कौन है? पति है। बात समझ में आ गई? तो ये दोनों पति पत्नी हुए, ये दोनों भी पति पत्नी, और ये दोनों बहनें हैं, इतनी बात समझ में आई। फिर क्या कह रहा है? क्यू एम और ओ का पुत्र है।
जो क्यू है दोस्तों पुत्र किस किस का है, एम और ओ का। एम और ओ ये आपस में पति पत्नी है, ठीक है। इन दोनों का एक पुत्र है, कौन है, दोनों का एक पुत्र है, एक बेटा है दोनों का, अब वो कौन है, वो क्यू है। क्लियर इतनी बात, क्यू कौन है, एम और ओ का पुत्र, एम और ओ का पुत्र है क्यू। एल और क्यू का क्या संबंध है, इस एल का इस क्यू से क्या संबंध है ये पूछ रहा है। अब देखिए एल और एम दोनों बहन हैं और ये क्यू कौन है, एम का बेटा है, ठीक है, समझ में आई। ओ का भी बेटा है, एम का भी बेटा है, जब दोनों पति पत्नी हैं आपस में तो दोनों का बेटा होगा। अब देखिए क्यू की माँ है एम, क्यू की माँ है एम, और माँ की बहन कौन लगेगी दोस्तों, मौसी लगेगी, ठीक है, मौसी लगेगी। एल का क्यू से संबंध है तो एल का क्यू कौन लगेगा, जब इसकी ये मौसी लगेगी तो इसका ये कौन लगेगा दोस्तों, भांजा लगेगा, सीधा सीधा आप जानते हैं। मौसी का कौन लगेगा, बहन का लड़का कौन लगेगा दोस्तों, भांजा ही तो लगेगा। एम की एम का लड़का है मतलब एल की बहन का लड़का है ये, तो बहन का लड़का कौन लगेगा, भांजा लगेगा, आपको सीधा सीधा पता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी को प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। 20 का रिलेशन 6 से है तो 40 का रिलेशन क्या बनेगा। अब देखिए सभी के अलग अलग तरीके होते हैं प्रश्न को करने के, लेकिन ये प्रश्न इतना आसान नहीं है। अगर आप चाहो तो वीडियो को यहीं पर पॉज करके एक बार खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। क्या आंसर आया है कमेंट बॉक्स में पहले बता दीजिए, उसके बाद में मेरा लॉजिक देखना। सभी लोग प्रैक्टिस करते हैं नंबर एनालॉजी की, और ये नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है लेकिन आसान क्वेश्चन नहीं है। लगाइए लॉजिक इसमें क्या लगेगा ऑप्शन के हिसाब से। अब देखिए अगर आप 20 में से 6 को माइनस कर दें 14 बचेगा, 40 में से भी 6 को माइनस कर दें दोस्तों कितना बचेगा, 34, 34 ऑप्शन में नहीं। देखिए अब यहाँ से देखिए 20 से क्या हो रहा है 6, 20 से क्या हो रहा है 6, तो 20 में से माइनस कितना करेंगे 14 माइनस करेंगे तब 6 आएगा, 40 में से 14 माइनस करेंगे 26 आएगा, 26 भी ऑप्शन में नहीं, तो ये वाला तरीका भी नहीं लग रहा। तो कौन सा तरीका लग रहा है दोस्तों, वही आपको पहचानना है, वही तरीका तो पहचानना है, लेकिन इसमें जो तरीका है दोस्तों सबसे अलग है। देखिए सबसे अलग तरीका क्या है उसे देख लीजिए। अब अगर मैं इसे दोस्तों 2 से कटाऊँगा तो 10 बार में कटेगा, और 2 से इसे कटाऊँगा तो 3 बार में कटेगा, तो ये क्या बन रहा है 10:3। तो मुझे यहाँ पर भी क्या बनाना होगा 10:3 बनाना होगा। तो 10:3 बनाने के लिए इसे मैं कितने से काटूँगा, 4 से काटूँगा तो 10 बार में कटेगा, 4 से काटूँगा तो दोस्तों ये 10 बार में कटेगा, क्लियर। और 4 से मैं कौन सी संख्या को काटूँगा कि 3 बार में कटेगी, क्योंकि 10:3 यहाँ पर बना है तो यहाँ पर भी दोस्तों 10:3 बनेगा, तभी तो लॉजिक बराबर होगा। तो 4 देखिए यहाँ पर मैंने 2 से काटा 10 बार में, 2 से इसे काटा, इसे 4 से काटा है तो यहाँ पर जो संख्या आएगी उसे भी 4 से काटेंगे। तो 4 से कौन सी संख्या कटेगी 3 बार में, आपको पता है यहाँ पर 12 होगा तो 4 से 3 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बना 10:3 बना, और यहाँ पर भी दोस्तों क्या बना 10:3 बना, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा 12 आएगा। तो डी ऑप्शन आपके प्रश्न का सही आंसर है, ये बात याद रखनिया। ये नया लॉजिक है, आप इसे नया लॉजिक कह सकते हैं क्योंकि प्रश्न बहुत ही अच्छा पूछा गया है। ये लॉजिक कम बनते हैं एग्जाम में, अगर पूछ लिया जाए तो बनेगा नहीं आसानी से, अगर आपको लॉजिक नहीं पता तो। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ नंबर एनालॉजी की प्रैक्टिस करते रहिए करते रहिए करते रहिए। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।